सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बस्ती दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नव निर्मित बालिका पॉलिटेक्निक भवन का निरीक्षण किया, साथ ही महसो में ग्राम चौपाल में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानी। वहीं डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके घर खाना भी खाया। केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का स्थिति निरीक्षण भी किया है। अभी हम यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी हैं उनके घर पर हालचाल लेने के लिए हम लोग आए थे और उन्होंने हमें भोजन भी कराया, उनके साथ बैठ करके हमने भोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर के हम चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे और उनका स्थलीय निरीक्षण और गुणवत्ता के साथ पहुँचे, ये सब करने के लिए हम लोग आए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां मत्स्य विभाग की तरफ से रिवर रैचिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैदपुर नगर के रंग महल में 4 मछली की कई प्रजातियों के 60,000 बच्चों को छोड़ा गया। साथ ही इस दौरान मत्स्य विभाग के अधिकारी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शामिल जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई मत्स्य संपदा योजना है, जो गंगा के किनारे रहने वाले मल्लाह समाज के लोगों के लिए है। द्वारा जो ये मत्स्य संपदा योजना चलाई गई है, इससे समुदाय मल्लाह समुदाय जितने भी है अगर घाट के आसपास में रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो खुद भी जो मछलियाँ छोड़ी गई है पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में 65,000 के लगभग छोड़ी गई हैं, जिनका देख रेख करना वो इनकी जिम्मेदारी है। मैं यही कहूँगी, मैंने कहा भी है सारे निशा समाज और मल्लाह समाज से कि कृपया इन्हें इनका ध्यान दें और इनका अच्छे से पोषण करें, ताकि इससे क्या होगा, हमारी जो गंगा माँ है जिन्हें हम माँ कहते हैं वो स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, अविरल रहे। देवरिया में सभी जगहों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके चलते थाने में 6 शिकायती पत्रों में से 4 शिकायती पत्र का निस्तारण किया गया। वहीं मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे, साथ ही मजिस्ट्रेट और कई लेखपाल भी मौजूद रहे। रायबरेली में तलवार से केक काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तलवार से केक काटने के 2 वीडियो वायरल हुए। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के रजौरी भैरव मिश्र गांव का बताया जा रहा है, जिसके चलते युवाओं में तलवार लहराने का शौक बढ़ रहा है। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में गाड़ियों के शीशे तोड़कर बैटरी म्यूजिक सिस्टम जैसे सामान चोरी करने में अब लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि उनकी गाड़ियों में अचानक से कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, तोड़फोड़ के बाद वह गाड़ी से होम थिएटर जैसे कई कीमती सामान लेकर भी फरार हो गए। मामला यह है कि लगभग रात के बजे आए होंगे कुछ लोग, तो पहले गाड़ी में से शीशा तोड़ा, फिर बोनट खोल के उन्होंने बैटरी निकाल ली, बैटरी के बाद उन्होंने स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम तोड़ा, निकाल ले गए स्टीरियो और बैटरा वगैरह ले गए। हाँ, चारों गाड़ियों में ये हुआ है ना सब? चारों में नहीं, किसी में निकालने की कोशिश तो सब में ही करी है, लेकिन सब में से नहीं निकाला। मौके पे पुलिस आई है? मौके पे पुलिस आई थी। सुबह 6:45 बजे के आसपास हम गाड़ी पे आए तो देखा ये इसका शीशा टूटा पड़ा था और इसका म्यूजिक सिस्टम और इसका स्टीरियो वगैरह ले गए, और हमारे अलावा 3 गाड़ी और हैं जिसमें से एक का म्यूजिक सिस्टम स्टीरियो वगैरह। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी, मौके पर पुलिस भी आ गई और जांच करके आश्वासन दिया है उन्होंने पूरा। तहरीर दे रहे हैं आप मुकदमा लिखेंगे? हाँ, तहरीर दी।
लखीमपुर खीरी में तीन दिन से लगातार बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही किसानों की फसलें काफी नुकसान भी पहुंचा है। वहीं गन्ना, धान, तिल्ली जैसी फसल बर्बाद की कगार पर है। इससे पहले आवारा जानवरों भी फसल को बर्बाद कर चुके हैं। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महसोना के कैलाश मौर्या में एक युवक घूम रहा था, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने युवक को चोर समझ लिया और पकड़ लिया। इन लोगों ने युवक को एक घर के अंदर ले जाकर बरामदे के खंभे में बांध दिया और लाठी डंडे से मारपीट की, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। औरैया के एयर वाकटरा थाना परिसर में समाधान दिवस के आयोजन किया गया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी ने बिधुना लवगीत कौर से राजस्व से संबंधित 9 शिकायतों में 5 शिकायतों का स्वराज को लेखपाल की टीम भेजकर निस्तारण कराया और शेष 4 शिकायतों की जांच राजस्व और चकबंदी की टीम को सौंप दी गई। औरैया में हैवानियत की तस्वीर सामने आई, जहां 12 साल की नाबालिग के साथ एक दरिंदे ने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और बच्ची के साथ हुए कृत्य के बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी। मामले की जानकारी परिजनों को तब लगा जब बच्ची के कुछ दिन बाद तबीयत बिगड़ गई। वहीं पुलिस ने बच्ची के बयान पर मेडिकल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को अजीत मल कोतवाली की टीम दोबारा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कपूर थाना अंतर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी 12 वर्षीय बच्ची जो कुछ माह पूर्व अजीतमल थाना अंतर्गत एक गांव में अपनी मौसेरी बहन की देवर की शादी में आई थी और वहां 10 दिन तक रही। उस दौरान उसके जो मौसेरी बहन का देवर था उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसके फलस्वरूप बच्ची गर्भवती हो गई थी। यह बात तब पता चली जब बच्ची की तबीयत खराब होने लगी। दिनांक 16/9/2022 को पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कारोबार को करने वाले व्यापारियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से सूबे में अधिकारी जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं, जिससे अवैध कारोबार खत्म किया जा सके। आपको बता दें कि व्यापारी ज्यादा मुनाफे के लिए गलत तरीके से व्यापार करने से नहीं आते हैं। प्रदेश के हर जिले के अधिकारी को आदेशित किया गया है कि कहीं भी अवैध कारोबार चल रहा हो उस पर कार्रवाई कर व्यापारी को जेल भेजा जाए। लगातार सूबे में अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, अवैध दवाइयों का व्यापार, सभी पर अंकुश लगाया जा रहा है। जैसे चल रहा है प्रकरण, अभी साहब से बात हुई, आप बता ही रहे थे वो इस तरह से कि मुकेश कुमार के नाम के व्यक्ति के प्राइड फार्मास्यूटिकल के नाम से एक लाइसेंस था और उसके पास में एक बगल में उसने दोदान अभी करीब महीने जोड़े महीने पहले बता रहा है कि खोल लिया है उसने और हमारी जानकारी में नहीं था। जैसे ही हमें कुछ आसार लगे वैसे ही मैंने उनकी दुकानों पर छापेमारी की गई और उसमें इतनी भारी मात्रा में दवाइयाँ मिली हैं 5-6 कमरों में कि संख्या उसकी बहुत ज़्यादा है। करीब करीब इन्वेंट्री बनाने पर 526 की संख्या जा रही है। फफाला में हम लोगों को कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मुकेश कुमार नामक का एक व्यक्ति है जो कि प्राइड फार्मा का संचालक है, इसके द्वारा भारी मात्रा में अवैध दवाओं का कहीं ऐसी जगह पर रखकर, गुप्त जगह पर रखकर अवैध व्यापार किया जा रहा है। इसकी हमने कुछ सूचना एकत्रित की और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि फफाला में मानक फार्मा के पास, बालाजी कॉम्प्लेक्स के पास नीरज कुमार वाशनी की एक मार्केट है, उसके प्रथम तल पर यह भारी मात्रा में दवाओं का व्यापार कर रहा है। भारत सरकार की गाइडलाइंस के आदेश को देखते हुए हर 3 महीने में दिशा की अधिकारी मीटिंग की जाती है, जिसको लेकर आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ जनपद में हो रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। वहीं दिशा की मीटिंग खत्म होने के बाद जनता की समस्याओं को भी सुना गया। बैठक हर जिले में होती है जिसमें जिले की जो डेवलपमेंट है उसकी समीक्षा होती है, सभी अधिकारी होते हैं, उसमें सांसद चेयरमैन के नाते रहना पड़ता है और उसमें सारे अधिकारी होते हैं, सभी जनप्रतिनिधि होते हैं, जिले के डेवलपमेंट की समीक्षा करते हैं और
कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करके उसका समाधान करें। लखीमपुर खीरी में दलित समाज की दो सगी बहनों की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें निशुल्क केस लड़ने के लिए उच्च न्यायालय एडवोकेट और एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। साथ ही परिजनों को निशुल्क पैरवी करने का आश्वासन भी दिया। उच्च न्यायालय के एडवोकेट ने बताया कि कानूनी स्तर पर जो भी पैरवी होगी वो हमारा अधिवक्ता मंत्रिमंडल निःशुल्क पैरवी कर न्याय दिलवाएगा और कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिलवाने में हमारा अधिवक्ता मंत्रिमंडल कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए एक कलंक है और ऐसी घटनाओं से अपराधियों को मनोबल बढ़ता है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसी जहां भी घटनाएं होती हैं, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं पहले तो अपना परिचय दे दूँ। एडवोकेट एस के सिंघानिया, हमारा संगठन भी भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नाम से, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये अधिवक्ता भाई जितने भी हैं हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं। हम अधिवक्ताओं ने इसमें ये निश्चित किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अगर हम लोगों को जाना पड़े तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अंबेडकर नगर में सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण एक युवक की अर्धनग्न अवस्था में पिटाई करते हुए देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो लगभग 15 दिन पहले का है। वहीं वीडियो में पीट रहे युवक पर छेड़खानी का आरोप है। वहीं इस मामले में SP ने बताया कि वीडियो 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो की जाँच की जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर जो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बताया ये जा रहा है कि करीब 15 दिन पुराना ये वीडियो है। इसमें एक युवक की पिटाई का दृश्य दिखाई दे रहा है। इंस्पेक्टर कोतवाली मैंने बता दिया है कि इसकी जांच कर लें वीडियो की और इस पर अभियोग पंजीकृत करें। जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।